एक माँ की उलझन, एक माँ की दुविधा, उसकी नजरों में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। बेटे के लिए उसने सारी बलाएं ले ली हैं। माँ का दिल हर वक्त अपने बेटे के लिए उत्सुक रहता है। न जाने क्यों उसे ये डर लगा रहता है कि उसका बेटा उसे दूर हो जाएगा। अब देखिए ना, देव बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी माँ है न जाने क्यों तड़प रही है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका बेटा उसे दूर जा रहा है। दरअसल बात कुछ ऐसी ही है, मामी ने उसके कान जो भर दिए हैं, अब रह रहकर उसके मन में बस एक सवाल उठता है, कहीं सोनाक्षी देव को लेकर उड़ न जाए, क्योंकि मामी ने दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए उमड़ा प्यार देख लिया है। मतलब मैं ईश्वरी हूँ और ये अगर देव है, तो अगर देव और ईश्वरी के बीच में, ईश्वरी और देव के बीच में अगर कोई तीसरी, चौथी या पांचवी भी आए, तो भी ईश्वरी ईश्वरी देव की माँ रहेगी। ये तो है ऑन स्क्रीन की कहानी, जो आप सीरियल में देखेंगे, लेकिन जो सीरियल में नहीं देखेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। पर्दे के पीछे सुप्रिया पिलगांवकर और शहीर शेख की कैसी केमिस्ट्री है। आप हमेशा आप सोचते होंगे ये क्यों नहीं ज्यादा बात करता है इस बारे में, मगर मुझे कैमरा के सामने माइक लेके ये सब चीज़ें अपनी बहुत पर्सनल है मेरे लिए। सब चीज़ें ये मेरे इमोशंस हैं जो मैं सबके सामने दिखाना नहीं चाहता, मगर लोग कहते हैं कि आपके फैंस जानना चाहते हैं या तो मत दिखाओ। हाँ, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरे इमोशंस है, जो मैं जीऊँगा अपनी लाइफ में। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशन है उनकी, शायद ही कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में इतनी इज्जत और इम्पोर्टेंस देता हूँ, उनमें से श्रिया मैम एक है। तो कभी ऐसा होता है? और मैंने गलती से और ये मैंने क्या कर दिया? ओके बस हम बहुत अच्छा, हमारा बॉन्डिंग है और सब कुछ अच्छा चल रहा है सेट पे। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस शो, क्योंकि इस शो की वजह से ही मैं इनसे मिला। ऑफ कोर्स मैं इन्हीं से ज्यादातर शेयर करता हूँ, मतलब जो भी मेरे लाइफ में हो रहा होता है, जो भी पूरे दिन में होता है, वो बताना पड़ता है किसी एक इंसान को, तो वो यही इंसान है जिनको मैं पूरा बताता हूँ। ये जब मिलते हैं तो इनके लंच का क्या कहना, साथ साथ टिफिन भी शेयर करते हैं और फिर गाते हैं खूब सारे गाने। शायद यही वजह है कि माँ बेटी की केमिस्ट्री को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अगर कुछ खास घर में जैसे उसे पसंद है कोई चीज, तो अगर ले आई तो डेफिनेटली ही लाइक्स टू हैव इट। मतलब ये मुझे आश्चर्य लगता है कि इसे कैसे पुराने गाने पसंद है। मतलब ये तो आजकल का, मुझे तो सिर्फ पुराने गाने याद रहते हैं, बट इसे भी याद है। मैं आजकल बहुत कानों में गूंजता है एक गाना, वो किसी की मुस्कुराहट हो निसार किसी का, वो मेरा कॉलर ट्यून है। गुनगुना रहे है भंवर खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रहे है भंवर खिल रही है कली कली, कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत शैतान है, ये बात नहीं मानेगा, माँ की भी तो बिल्कुल नहीं मानेगा, माँ कह रही तो बिल्कुल नहीं, ऐसे होता है ना बच्चों का, जो माँ कहती है नहीं कर रही। माँ और बेटे की इस जुगलबंदी को किसी की नजर ना लगे, सच में माँ बेटे की इतनी बढ़िया केमिस्ट्री देखकर भला कौन कह सकता है कि ये लोग सच में माँ बेटे नहीं हैं, सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।